नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इस वीडियो में बात करेंगे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की, जिन्होंने एक बार फिर से सरकार से सवाल पूछा है। सवाल इस बात को लेकर पूछा है कि क्या कोरोना पीड़ितों की मदद करके उन्होंने गलती की, क्या बाढ़ पीड़ितों की मदद करके पप्पू यादव ने बड़ी गलती कर दी, और क्या वो इसी बात की सजा भुगत रहे हैं। ये पप्पू यादव ने एक ट्वीट के माध्यम से कही है। आप अपनी स्क्रीन पर पप्पू यादव का ये ताज़ा ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से उसी सवाल को दोहराया है। दिन का आंकड़ा, दिन की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन पप्पू यादव का सवाल लगातार वही है। और सवाल ये है कि आखिर उनकी गलती क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर जो ट्वीट पप्पू यादव का देख रहे हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि देखो, देश की पुलिस व्यवस्था का खेल, सांप्रदायिक नरसंहार की धमकी देने वाले अश्विनी उपाध्याय को 2 दिन में बेल मिल जाता है। तो वही नीचे लिखते हैं कि कोरोना पीड़ितों की सेवा के लिए मुझे 92 दिन से जेल में रखा गया है। एक कटाक्ष, एक तंज और एक सटायर कह सकते हैं पप्पू यादव ने जो सरकार पर छोड़ा है, और सवालिया लहजे में पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना पीड़ितों की मदद करके पप्पू यादव ने बड़ी गलती कर दी, और क्या इसी बात की सजा उन्हें दी जा रही है, अन्यथा इतने दिन हो गए पप्पू यादव को रिहा कर दिया जाता। ये सवाल पप्पू यादव कर रहे हैं और लगातार सरकार से पर निशाना भी साध रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, लगातार हर रोज की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जब भी जाप के कार्यकर्ता, जाप के समर्थक, पप्पू यादव के सिपाही सड़कों पर उतरते हैं, उनकी रिहाई की मांग को लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करते हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यही होता है कि आखिर सरकार और बिहार के पुलिस पप्पू यादव को रिहा कब करने वाली है। पप्पू यादव भी इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें इतने दिनों से जेल में क्यों रखा गया है। आपने कई तस्वीरें देखी पप्पू यादव के समर्थन में, जब रोड पर समर्थक निकलते हैं तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं, और उस नारेबाजी में यह भी शामिल होता है कि पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा करो, और सरकार पर कई सारे हमले किए जाते हैं। बिहार में बात चाहे अपराध की हो, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, या फिर बात अफसरों की हो, पप्पू यादव हमेशा ही सवाल खड़े करते रहे हैं, सरकार को आईना दिखाते रहे हैं और सरकार पर हमले भी करते रहे हैं। बार बार नीतीश की सरकार हो या फिर विपक्ष में कोई ऐसा नेता जिसके बयान को लेकर पप्पू यादव ने कई सारी बातें कही हो, ये दौर जो है लगातार चल रहा है। पप्पू यादव सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी कमियों को गिनाते हैं, और अब जो है लगातार एक के बाद एक, कल शाम को भी उन्होंने ट्वीट किया था जिस ट्वीट में उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही थी, और एक बार फिर से एक ट्वीट किया है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पप्पू यादव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि लोगों की सेवा करना क्या बिहार में गुनाह सा हो गया है, क्योंकि लोगों की सेवा के बदले अगर जेल मिलती है तो ऐसे में लोग क्या सोचेंगे, ऐसे में जनप्रतिनिधि क्या सोचेंगे और लोगों की सेवा कैसे कर पाएंगे। अगर पप्पू यादव को एक उदाहरण मान लिया जाता है कि पप्पू यादव लोगों की सेवा करते हैं, और पप्पू यादव की दलील ये है कि लोगों की सेवा के बदले उन्हें जेल की सजा मिली है, क्योंकि उनका अपराध तो नगण्य है, उनके हिसाब से उनका अपराध क्या है, ये सवाल सरकार से लगातार पप्पू यादव पूछ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि पप्पू यादव के इस सवाल का जवाब कब तक मिल पाता है, पप्पू यादव की रिहाई कब तक हो पाती है, क्योंकि पप्पू यादव के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी नेता हैं, वो लगातार सरकार के खिलाफ उग्र होते जा रहे हैं उनकी रिहाई की मांग को लेकर। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।